नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। साल 2022 की वन ऑफ द बेस्ट और सबसे रोमांचक टूर्नामेंट यानी लेजेंड्स क्रिकेट लीग 2022 की शुरुआत होने के लिए जा रही है, जहां पर क्रिकेट से संन्यास ले चुके खिलाड़ी T20 फॉर्मेट में आमने सामने होने वाले हैं। तीन टीमें पार्टिसिपेट करने वाली है। पहली टीम आपकी इंडिया महाराजाज है, दूसरी टीम आपकी एशिया लॉयंस और तीसरी टीम आपकी वर्ल्ड जेंट्स है। और इस शानदार टूर्नामेंट का पहला महामुकाबला हमें 20 जनवरी को इंडिया महाराजाज और एशिया लॉयंस के बीच मुस्कैट के ओमान क्रिकेट स्टेडियम में देखने को मिलने वाला है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक और शानदार ये मैच होने वाला है। और इस वीडियो में आपको इस मैच की A to Z सभी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जहां पर हम इस महामुकाबले के लिए दोनों ही टीमों की फाइनल प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे। कितने बजे से कौन कौन से टीवी चैनल्स पर हमें यह मुकाबला लाइव देखने को मिलने वाला है, फ्री में हम कैसे लाइव देख पाएंगे, ये सभी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो हम आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते। तो सबसे पहले हम थोड़ा मैच इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि रोड सेफ्टी वर्ल्ड T20 सीरीज को कॉम्पिटिशन देने के लिए इस सीरीज का आगाज होने वाला है, जहां पर पहला महामुकाबला इंडिया महाराजा और एशिया लॉयंस के बीच हमें मुस्कैट के ओमान क्रिकेट स्टेडियम में देखने को मिलेगा। और इस महामुकाबले के लिए दोनों टीमों की फाइनल प्लेइंग 11 भी आधिकारिक तौर पर जारी कर दी गई है। प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम टाइमिंग एंड टेलीकास्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारतीय समय अनुसार रात के 8 बजे से इस टूर्नामेंट के सभी महामुकाबलों की लाइव टेलीकास्टिंग होने वाली है। और यदि आप इनको टीवी और मोबाइल पर लाइव देखना चाहते हैं, तो भारत में सोनी टीवी सीरीज को टेलीकास्ट करने वाला है। सोनी 10-1 और सोनी 10-3 इन दोनों टीवी चैनल्स पर लाइव टेलीकास्टिंग होने वाली है। और यदि आप मोबाइल पर इस सीरीज को लाइव देखना चाहते हैं, तो आप सोनी लाइव ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि जियो टीवी ऐप पर भी इस पूरी की पूरी टूर्नामेंट की लाइव टेलीकास्टिंग हमें देखने को मिलने वाली है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस महामुकाबले के लिए दोनों ही टीमों की फाइनल एंड परफेक्ट प्लेइंग 11 के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया महाराजाज की प्लेइंग 11 के बारे में। तो इस महामुकाबले में इंडिया महाराजा की तरफ से ओपनिंग करने उतरेंगे आप सभी के फेवरेट वीरेंद्र सहवाग के साथ संजय बांगर हमें देखने को मिलेंगे। नंबर 3 पर बद्रीनाथ आने वाले हैं। नंबर 4 पर हमें युवराज सिंह देखने को मिलेंगे। नंबर 5 पर यूसुफ पठान होने वाले हैं। नंबर 6 पर आपके इरफान पठान होने वाले हैं। नंबर 7 पर नमन ओझा विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे। नंबर 8 पर हरभजन सिंह होने वाले हैं। नंबर 9 पर आरपी सिंह हमें देखने को मिलेंगे। नंबर 10 पर होंगे प्रज्ञान ओझा और नंबर 11 पर होने वाले हैं मुनाफ पटेल। तो कुछ ऐसी फाइनल प्लेइंग 11 हमें यहां पर इस महामुकाबले के लिए इंडियन टीम की दिखाई देने वाली है। काफी शानदार ये प्लेइंग 11 है। वही हम बात करते हैं एशिया लॉयंस टीम की फाइनल प्लेइंग 11 की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 2010 से चल रहे इंडिया के नंबर 1 गेमिंग प्लेटफॉर्म रेडी अन्ना के बारे में, जहां पे 160 प्लस गेम्स खेल सकते हैं। इनके पास 15 प्लस साइट्स और भारत में इनकी 100 से ज्यादा ब्रांचेज है। 24/7 की विड्रॉ सर्विस आपको यहां मिल जाती है। आप इनसे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करके सभी डिटेल्स ले सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आपको इनके टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप सभी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं एशिया लॉयंस की फाइनल प्लेइंग 11 की। महामुकाबले में एशिया लॉयंस की तरफ से ओपनिंग करने उतरेंगे सनत जयसूर्या के साथ तिलक रत्न दिलशान। नंबर 3 पर मिसबा उलक होंगे। नंबर 4 पर हमें मोहम्मद हाफिज खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। नंबर 5 पर शोएब मलिक होने वाले हैं। नंबर 6 पर हमें अफगानिस्तान के असगर अफगान देखने को मिलेंगे। नंबर 7 पर साहिद अफरीदी होने वाले हैं। नंबर 8 पर हमें उमर गुल देखने को मिलने वाले हैं। नंबर 9 पर हमें शोएब अख्तर देखने को मिलेंगे। नंबर 10 पर यहां पर मुथैया मुरली होने वाले और नंबर 11 पर हमें चामिंडा वास देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसी होने वाली इस महामुकाबले के लिए दोनों टीमों की फाइनल प्लेइंग 11। काफी शानदार प्लेइंग 11 यहां पर रिटायर्ड खिलाड़ी की बन गई है और दोनों जो प्लेइंग 11 सीरियसली काफी शानदार टक्कर हमें इन दोनों ही टीमों के बीच मुस्कैट के ओमान क्रिकेट स्टेडियम में देखने को मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, कौन सी टीम बनेगी इस महामुकाबले की चैंपियन, इंडिया महाराजा या फिर एशिया लॉयंस? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल किस वीडियो में इतना ही। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।